लड़के ने मोदी जी को 3 बार सैल्यूट है, आई लव यू मोदी, आई लव यू, क्योंकि मैं बीजेपी विरोधी हूँ। तभी तो कह रहा हूँ आज आई लव यू कह रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग रोजगार के लिए लड़ते हैं मोदी जी से, महंगाई के लिए लड़ते हैं, उसके लिए विरोध करते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये है खुराना साहब, चंट मंट रहते हैं व्हाइट कपड़े पहनकर, और प्योर बीजेपी के विरोधी, प्योर जो 100% DNA इनका बीजेपी के विरोध में रहता है, और आज आई लव यू कह रहे हैं। एक 2000 का नोट बंद होते ही, लव यू एक बार नहीं, हजारों बार मोदी को। अगर ये आने वाले टाइम में 500 नोट भी बंद कर दे तो हमारा ये करप्शन ही खत्म हो जाएगा। मैं मोदी जी का साथ दूंगा इसमें, इस मामले में मैं उनके साथ हूँ। 2000 के नोट ना ये मोदी जी ने कर तो दिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पैसा निकलेगा नहीं, ये जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, ये गोल्ड में 50 करोड़ रुपए लगा देते हैं, 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। ये 2000 रुपए का जो नोट बंद करा है, मैं पहले विरोध कर रहा था इनका नोटबंदी का, आज भी उस दिन को याद करो, क्योंकि गरीब आदमी मरा। इस टाइम कोई गरीब आदमी नहीं मरेगा, इस टाइम पे पड़ेगा भ्रष्टाचारी जो 20-20% ब्याज पे पैसा चलाते हैं, करप्शन करते हैं, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हैं, 2.5 करोड़ रुपए ब्लैक और व्हाइट करते हैं कि 2.5 करोड़ रुपए मैं कैश दूंगा और 2.5 करोड़ रुपए के कागज कराऊंगा टैक्स पेयर को। ये गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में, चाहे कोई बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। टैक्स पेयर जो है लोग, वो भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे। ये कहने का आम आदमी पे क्या असर है 2000 के नोट बंद होने का? आप कह रहे हैं कि खरबों अरबों पे, आम आदमी पे कोई असर नहीं है, कोई इतना पैसा किसी पे है नहीं, कोई इतना पैसा किसी पे इतना है नहीं जो आम आदमी पे। ये है कि अब लोग, अभी बंद तो हुआ नहीं है लेकिन अब लोग लेना बंद कर देंगे, अब वो पैसा बैंक में जाएगा। ये आम आदमी पे ये असर है, बैंक में लाइन लगानी पड़ेगी, अपना काम छूटेगा, सारे काम आम आदमी पे असर है और किसी पे असर है? पैसा वाला तो अपना नोट करा ही लेगा, पैसे ले दे करा लेगा, लेकिन आम आदमी पे असर है ये सारा। अब आम आदमी बैंक में जाकर लाइन लगाएगा, थोड़ा बहुत उस पर है भी। बीस हजार रुपए के भी नोट नहीं होंगे भाई साहब, मेरे घर में तो है 20,000। आपके पास भी है? हाँ, 50,000 हो भी सकते हैं, ऐसी बात। 2 दिन में चेंज करा लेंगे ना, तो कोई ऐसा 100 में ऐसा नदीम जी, ऑनलाइन हो रहा है, आपके पास 50,000 रुपए, आपके पास 50,000 रुपए, हर आदमी के पास 50,000 नहीं है, किसी की सैलरियाँ इतनी नहीं है जो कि वो बदलवाने जाए। मैं ये कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी लाठी भ्रष्टाचारियों पे पड़ेगी, जो इनकम से चोरी करते हैं और जो 2 नंबर के काम करते हैं रिश्वतखोरी, उनके ऊपर खराब पड़ेगी। अब जैसे हमारी दिल्ली पुलिस है भाई साहब, मैं रिश्वत 1 करोड़ रुपये महीने आती है, क्या चाहिए? ऑनलाइन कैसे करोगे? अब यह चीज़ों पर पड़ेगी चोर। आप नरेंद्र मोदी जी के लिए अनपढ़ गवार जेल जैसी बातें करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप IPS ऑफिसर है, पढ़े लिखे इंसान है, हम अनपढ़ गवार है, हमारे मुंह से कुछ भी निकल सकता है, मगर आपको लैंग्वेज हो। अब किस पद में CM है, दिल्ली के CM है, वो देश के प्रधानमंत्री जी है। हम विरोधी, हम बार बार करें, हम नरेंद्र मोदी जी से एक विरोध करते हैं, रोजगार पे विरोध करते हैं, महंगाई पे विरोध करते हैं, हमारा हक है विरोध करने का, मगर हम बदतमीजी नहीं कर सकते उनके साथ। आप लोग नरेंद्र केजरीवाल जी अभी तक कह रहे थे मेरे हाथ में यार पावर नहीं है, सारे काम LG के हाथ में, अब तो इनके हाथ में पावर है। फिर अध्यादेश ले आए सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, रात को 11 बजे अध्यादेश आया है कि फिर से LG के हाथ में सारी पावर दे दी है, मतलब मोदी जी की, केजरीवाल तो है। रात को 11 बजे अध्यादेश आया है, ना इन्हें पता है रात को LG सारी पावर फिर LG के हाथ में दे दी है। इसका क्या मतलब है? कि यही मतलब है कि मोदी जी की केजरीवाल से फिर गई है। सुनिए, क्या नाम है? मेरा नाम नदीम है। नदीम, अध्यादेश पढ़ा है आपने? हाँ पढ़ा है। क्या है थोड़ा बताएं? जो अध्यादेश ये है कि जो ट्रांसफर की जो वो थी, जैसे ये अधिकारी को ट्रांसफर था, फिर वो LG के हाथ में दे दिया है वो सारा। कैसे? तो क्या है उसमें थोड़ा बताइए। मतलब जो इन्होंने जो ट्रांसफर जो करने सारा जो दे दिया था वो केजरीवाल के हाथ में दे दिया, अधिकारी को ट्रांसफर केजरीवाल कर सकता है। रुकिए, लेकिन रात को 11 बजे इन्होंने फिर से अध्यादेश दिया। नदीम, पहले तो आप जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री गई है, ऐसे शब्द बोलना उचित नहीं है, ऐसी चीजें बोलना सही नहीं है, इसके परिणाम हो सकते हैं और वो भुगतने पड़ सकते हैं आपको, है ना? अब सुनिए, अध्यादेश में आपको थोड़ा समझाता हूँ। 3 लोगों की टीम रहेगी, उसमें चीफ मिनिस्टर रहेंगे, उसमें सेक्रेटरी रहेंगे, है ना, जूनियर सेक्रेटरी रहेंगे, वो 3 लोग जिसका नाम रिकमेंड करेंगे फिर वो LG के पास जाएगा। तो ये रात को 11 बजे क्या मतलब था? ये तो दिन में भी हो सकता था, ये तो पहले भी हो सकता था, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, जब भी हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? हाँ बताओ, ये कि रात को सुप्रीम कोर्ट किसने खुलवाया था? रात को किसने? एक आम आदमी के लिए
कोई भी इंडियन आदमी के लिए, कोई भी जनरल आदमी के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुला है क्या? उसके लिए तो 24 घंटे खुला है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी आम आदमी, एक आम आदमी का नाम उठा के बता दीजिए आप, एक आम आदमी का नाम बता दीजिए, एक देश का आम आदमी का नाम आप भैया बता दो। कोई आम आदमी के लिए आज तक सुप्रीम कोर्ट ने लड़ना नहीं है भैया, लड़ेंगे ये। अरे नदीम जी जा कह रहे हैं, अब पूरी बात सुन के जाइए। नदीम जी कह रहे हैं कि मिलती थी तो जब कोई नहीं बोलता था केजरीवाल को, एक बोतल के पीछे दो बोतल फ्री, जब तक केजरीवाल की भड़ाई करते थे खूब पीते थे, पेटियां भर भर कर ले जाते थे। अभी तो तुम्हारी आंख भी नहीं खुली। जब दारू फ्री मिलती तब नहीं बोलते थे, जब नहीं बोलते थे, और अब सब बोल रहे हैं कि कैसे दारू मिलनी बंद हो गई ना। बंद हो गई ना। अरे भाई साहब, नदीम जी कह रहे हैं कि रात को अध्यादेश लाना पड़ा, ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया। ऐसा वर्ड इन्होंने यूज किया तो ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पावर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सब कुछ डिसाइड कर रहा है। नरेंद्र मोदी उसमें कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी, ये भारतीय जनता पार्टी इस चीज को कर रही है, ये तो मतलब सरासर गलत है। आपको पता नहीं, आपको नहीं पता तो आप बहस मत करो, आपको नहीं पता तो रात को 11 बजे क्या हुआ तो आप बहस नहीं करना गलत है, आपको बहस करना गलत है। ये एलजी का वो नहीं है ना सुप्रीम कोर्ट का, ये तो रात को 11 बजे केंद्र सरकार का ऑर्डर था। केंद्र सरकार का ऑर्डर था या नहीं था बताओ भाई को। एविडेंस दे दिए केंद्र सरकार का ऑर्डर है, आप एक इन्होंने आज की न्यूज नहीं देखी, इन्होंने आज की न्यूज नहीं देखी भाई को बताओ, इन्हें बहस करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं भैया, बहस नहीं कर रहे हैं, आप मेरा भाई हो। नदीम जी देखिए, आज का जो मुद्दा है, केजरीवाल कहते हैं कि 2000 का नोट लाए थे, काला धन बंद हो रहा था, अब नोट वापिस जा रहा है तो भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ये कहना है बीजेपी का। अब केजरीवाल कहते हैं, सुनिए पूरा सवाल, सुनिए 2000 के नोट बनने में कितना पैसा लगता है, अरे पूरा सवाल तो सुनिए महाराज आप सवाल। अब केजरीवाल कहते हैं जब प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा तो ऐसे काम तो होंगे, जो जैसा कह देगा वैसा होगा। क्या प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहना सही है या नहीं है, नदीम क्या समझ? अनपढ़ कहना तो सही नहीं है, लेकिन ये है मेरी बात है कि हमारा जब 2000 का नोट चला था, कितने दिन हुए उसे चले हुए ना, अब काला धन इतना बढ़ गया, अब काला धन इतना बढ़ गया कि उसे बंद करना पड़ रहा है, हैं? काला धन इतना बढ़ गया कि उसे हमें बंद करना पड़ा है। बाहर से तो पैसा आ नहीं रहा, जो काला धन बाहर से ये लेके आ रहे थे वो पैसा कोई आजकल वापसी आया? ये बताओ आप, कोई पैसा वापसी आया? ये तो 2000 का नोट में बनने में कोई पैसा नहीं लगता, और वो खरबों लगे होंगे इतने पैसे बनने में, वो किसका पैसा है? वो हमारा ही पैसा, और किसका पैसा है जो और वो खरबों लगे, उसका नुकसान कौन है? अब पब्लिक लाइन में लगेगी, उसका उसका नुकसान कौन है?